नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम असम और आप सभी को हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आप से मैं एक सवाल पूछूं, अपने अपने मन में जवाब सोचना, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसकी आप बड़ी इज्जत करते हो, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपनी रिश्तेदारी में? क्या आप जानते हैं? क्या आप ऐसे किसी दुकानदार को जानते हैं जहां आप हमेशा सामान खरीदने जाना चाहते हो? क्या आप जानते हैं? हर एक के पास कोई ना कोई वो दुकानदार होगा। अब मेरा एक और सवाल, आप सिर्फ उसी दुकानदार के पास क्यों जाते हैं? ऐसा क्या करता है वो दुकानदार कि आप उसकी इज्जत करते हैं और आप सिर्फ उसी से सामान लेने जाते हैं, दूसरे के पास नहीं जाते? ध्यान से सोचिएगा दोस्तों, वो वही दुकानदार है जिसने अपने कस्टमर को भाग्य विधाता कहा है। दिल्ली में तिलक नगर में ऐसा ही एक दुकानदार है जिसे मैं जानता हूं, जिसने छोटी सी दुकान से काम शुरू किया था। आज उसके यहां 40 सेल्समैन हैं, बिजली की दुकान है। और उसकी खूबसूरती क्या है, इतना ईमानदार है, इतना सभ्य है, इतना व्यवहारजनिक है, इतना कस्टमर फ्रेंडली है। अगर आप उसके पास एक छोटे बच्चे को भी सामान खरीदने भेज देंगे तो वो कभी धोखा खा के नहीं आएगा, कभी नकली चीज नहीं बेचेगा। और तो और, अगर आप सामान वापस करने जाएंगे, एक मिनट से पहले पैसे वापस करके सामान रख लेगा। जब ऐसे व्यक्ति के पास हम जाते हैं तो हम जब उसको पैसे देते हैं, वो हमें प्रोडक्ट देता है, तो हम जानते हैं उनको पैसे के साथ साथ क्या देके आते हैं। जब एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, जब एक प्रोडक्ट बिकता है, खाली दो चीजों का आदान प्रदान नहीं होता। आपको लगता है हमने किसी को पैसा दिया और बदले में प्रोडक्ट ले लिया, यहां खत्म नहीं होती है दोस्तों। यहां दो पॉसिबिलिटी हैं। आप एक दुकानदार के पास गए, आपने उसे पैसे दिए, उसने आपको प्रोडक्ट दिया। अगर वो दुकानदार शॉर्टकट वाला है, अगर वो झूठा है, अगर वो बेईमान है, तो क्या होगा? आप उसको क्या दे के आएंगे पैसों के साथ साथ? बद्दुआएं। आप उसको क्या दे के आएंगे? डीफेम। डीफेम मतलब बदनामी। जब आप घर पहुंचेंगे, आपको पता लगेगा उसने ज्यादा पैसे ले लिए, उसने गलत चीज बेच दी, उसने खराब चीज बेच दी। तो आप 10 लोगों को जाके बताएंगे कि नहीं बताएंगे कि वो दुकानदार खराब है? बताएंगे? उस दिन उस दुकानदार ने हो सकता है एक प्रोडक्ट में शॉर्टकट से 10 रुपए फालतू कमा लिए हों, लेकिन वो जिंदगी भर का धंधा खो गया उस दिन। अब मैं दूसरे दुकानदार की बात करता हूं। एक दुकानदार था जिसके पास आप प्रोडक्ट लेके आए, आपने उससे प्रोडक्ट खरीदा, उसने आपको वाजिब दाम पर पूरी ईमानदारी के साथ असली प्रोडक्ट दिया। आप घर गए, तभी आपको लगा मुझे ये प्रोडक्ट पसंद नहीं है। आप वापस उस दुकानदार के पास गए कि भाई ये प्रोडक्ट हमें पसंद नहीं है, आप ये रख लो और पैसे वापस कर दो। दुकानदार ने आपसे बिना सवाल किए आपके पैसे वापस कर दिए, आपने पैसे लिए, आप घर आ गए। क्या यहां कोई बिजनेस हुआ? क्या यहां कोई बिजनेस हुआ? आपने उसका प्रोडक्ट वापस कर दिया, पैसे लेके घर आ गए, क्या उस दुकानदार ने कुछ कमाया? यहां आज बहुत बड़ा बिजनेस हुआ दोस्तों, उस दुकानदार ने बहुत कुछ कमाया। जानते हो क्या कमाया उसने? आपका विश्वास कमाया। उसने आपको अपना भाग्य विधाता बनाया। और जब आप 10 लोग के पास मिलेंगे, आप उसके 10 बार गुण गाएंगे और आप उसके पास 10 कस्टमर भेजेंगे, उस दिन उसने अपना बिजनेस 10 गुना बड़ा किया। तो जमशेद टाटा बनो दोस्तों, ईमानदारी का जीवन जियो। आज अपने हाथ में रख के मेरे साथ कसम खाओ। खाओगे?
खाओगे तो अपनी सीटों पे खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ मेरे साथ।